हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स यहाँ पर जानते हैं गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था, अगर किसी ने एनर्जी थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज नहीं देखी हैं तो ज़रूर आपको वहाँ पर भी एक चेक बनाकर रखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हैं जहाँ पर या तो ये किन्हीं ऑप्शंस में स्टक हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने हुए हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे। तो यहाँ पर इनका एक्शन या डिसीजन रुका हुआ है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इनकी लाइफ में होंगे अभी जहाँ पर ये स्टक हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। और ऑफ कोर्स आप इनके लिए एक बेटर चॉइस हो सकते हो गाइस, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं या इनकी कम्युनिटी कुछ ऐसी है जहाँ पर इन पर ऑलरेडी एक जो ऑप्शन है या प्रपोजल है ऑलरेडी दिया गया होगा। मान लो अगर ये आपके सोलमेट्स हैं या फिर ट्विन फ्लेम्स हैं, ये अगर शादी की प्लानिंग्स में बने हुए हैं तो इनके लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे होंगे और उन ऑप्शंस पर किन्हीं लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनके लाइफ की वो फेमिनिन है जो इन पर बहुत ज़्यादा होल्ड रखती है। ये इनकी मदर भी हो सकती हैं या एल्डर सिस्टर या कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जिनकी ये बात मानते होंगे। तो उनकी तरफ से ऑलरेडी इनके पास कोई सजेशन है कि अगर ये शादी करेंगे तो यहाँ करेंगे या फिर इस चॉइस को ये फाइनल कर दें। तो इस तरह का जब बर्डन या फोर्स इन पर आया है तो इन्होंने हो सकता है आपसे बात करना छोड़ दिया होगा, आपसे एक कन्वर्सेशन में बने रहना छोड़ दिया होगा। बट ये आपको डिज़ायर बहुत करते हैं, इन्होंने बता भी दिया होगा, इन्होंने आपकी तरफ ऐसे जेस्चर्स या साइंस ज़रूर शो कर दिए होंगे कि ये आपको लाइक करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू टेक एन एक्शन, ये उस चीज़ के लिए शायद खुद को अभी भी रेडी नहीं मान रहे हैं। इनके लिए बहुत सारा कॉन्टेम्पलेशन यहाँ पर लगेगा, प्लानिंग्स लगेंगी, स्ट्रैटेजी लगेगी, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं इनको कन्विंस कर पाना आपके पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा गाइस। और इन्हीं सारे थॉट्स एंड यू नो एक स्ट्रैटेजी में आपके पर्सन बने हुए हैं। पॉसिबिलिटीज़ शायद ये सोच रहे होंगे, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो शायद इनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तो ये उनसे या तो सजेशंस वगैरह लेने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, ये कुछ भी यहाँ पर फैसला नहीं ले रहे हैं, तो ये एक अभी के लिए पॉजिटिव बात या थॉट यही है कि आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बट हाँ दे आर थिंकिंग अ लॉट। तो ये थिंकिंग है और इवन बहुत सारी बातों को लेकर एक कन्फ्यूजन भी है। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन बने हुए हैं, बट हाँ इस पर्टिकुलर सी डायरेक्शन में ये एक फ्रीडम ज़रूर चाहते हैं उस क्वीन ऑफ सोर्ड से, ये एक आज़ादी ज़रूर चाहते हैं कि वहाँ से अगर इनको ब्रेक मिले तो ये अपनी लाइफ के उन सारे डिज़ायर्स पर वर्क कर सकेंगे जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, या फिर आपका प्रपोजल ये इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरफ प्रेजेंट कर सकेंगे। तो ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ, यहाँ पर कोई तो है इनकी लाइफ में जो एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनकर बैठी हुई हैं। तो ये चीज़ें, अगर मान लो ये शादी का मैटर नहीं भी है तो आपके पर्सन आपके साथ एक तरह की क्लियर कम्युनिकेशन में आने से डर रहे हैं। मतलब अगर ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और आप दोनों का जो कनेक्शन है या रिलेशनशिप है सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप तक सीमित है, तो यस आपके पर्सन एक क्लियर कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। ये इस चीज़ को भी फ़िलहाल के लिए बर्डन मान रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम तक ये अपनी फीलिंग्स को, अपने पैशन को होल्ड नहीं कर सकते। अगर ये चुप भी हैं तो मे बी दे आर जस्ट फाइंडिंग आउट द वे कि कैसे ये आपसे अपने दिल की बात बता सकें। तो अगर ये बिजी भी हैं, मान लो करियर की वजह से या किसी भी बात को लेकर, तो ये बस वहाँ से एक
टाइम आउट चाहते हैं, जैसे ही वहां से इनको टाइम मिल जाएगा गाइस, ये सीधे आपकी तरफ शायद आकर कुछ कहना चाहते होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कुछ कहना चाहते होंगे। बहुत लोगों के लिए कह भी दिया होगा अगर आपके पर्सन ने आपकी तरफ कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रखा है गाइस, तो ये इनके ऊपर एक बर्डन था जो इन्होंने रिलीज करना चाहा है। अब यहाँ पर इसके बाद आप कोई एक्शन ले सकते हो। तो जिस तरह से भी आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर रही है, आप उसी वेज में ग्रैब कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में बने हुए हैं। ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट इन इट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है इनके लाइफ की बाकी चॉइसिस से बहुत ज़्यादा अलग होगी। जैसे कि आपके अंदर वो एक कंपैशन, एक नर्चर या एक केयरिंग एटीट्यूड होगा, जो अदर लोग हैं इनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा एक तरह की कैजुअलिटी पर इनके साथ बने हुए होंगे, या तो इनके पैसों के लिए या इनके इनके स्टेटस की वजह से वो लोग इनके साथ जुड़े हुए होंगे, या जो भी रीज़न हो सकता है। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आपके साथ इन्हें वो रियल कनेक्शन महसूस होता है, तो इसीलिए इस कनेक्शन पर ये वर्क करना चाहते हैं। बट इन्हें शायद ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी लाइफ में जो भी एक पर्सन है उन्हें कैसे कन्विंस किया जाए, या फिर अगर कोई पर्सन नहीं भी है तो कोई सिचुएशन ज़रूर है, वहाँ पर ये कंट्रोल कैसे बना पाएंगे। शायद इन्हीं सारी थॉट्स में आपके पर्सन आज बने हुए हैं गाइस। ऑलराइट, तो ऑन द अदर हैंड यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड पेज ऑफ कप्स की बनी हुई है। हो सकता है एक बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशंस के बाद आपने होप या एक सक्सेस ज़रूर यहाँ पर प्राप्त की है। एक सेलिब्रेटिंग मोड में आप शायद बने हुए होंगे आज, कुछ तो आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे, या तो इनका अटेंशन या फिर इनकी तरफ से कही गई कुछ बातें। जैसे कि मैंने आज आपको बताया था एनर्जी थीम फॉर टुडे में, कि एक ऐसी फीलिंग में आप चैनल हो गए हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। एक ऐसी सिचुएशन को आपने हील कर लिया है जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मतलब एक ऐसा जख्म, एक ऐसा पैटर्न जो आपसे छूट नहीं पा रहा था, जो आपके दिल को हील नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र हो सकता है ब्लॉक था। लेकिन दोबारा से वापस से आप वही प्यार, वही कंपैशन महसूस कर पा रहे होंगे, वापस से आप एक कनेक्टिविटी में आ चुके होंगे जहाँ पर इवन आप सेल्फ लव में भी बने हुए हो, खुद को भी आप इतना ज़्यादा नर्चर कर रहे होंगे गाइस, अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अपनी वर्थ को देख पा रहे हो, तो एक ऑप्टिमिज्म शायद आप दोबारा से देख पा रहे होंगे कि एक प्रॉमिस किया है आपने खुद से कि यहाँ पर मैं खुद को इस हद तक कैपेबल या डिज़ायरेबल बनाऊंगी या बना चुकी हूँ कि मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये वही एनर्जी है ना गाइस जहाँ पर आपको अपनी वर्थ पता है, फाइन, आपको ये पता है कि अगर मुझे कोई इंसान लूज आउट करता है तो ये उसका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। तो ऐसी एनर्जी में आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे हो, मतलब यू गाइज आर इन अ ग्रैटिट्यूड। तो जब कोई इंसान ग्रैटिट्यूड में होता है तो उसे पता होता है कि उसके अंदर क्या शेयर क्वालिटीज़ हैं, वो अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करता, अपने आप पर डाउट नहीं रखता, उसको पता है कि मैं क्या हूँ, और मुझे अगर कोई पर्सन लूज आउट कर रहा है तो ये उसका लॉस है, मेरा नहीं। तो इस तरह की एनर्जी में आप शायद चैनल हो चुके होंगे गाइस, और आपको ऐसे जेस्चर्स एंड हिंट्स एंड साइंस आपके पर्सन की तरफ से मिल रहे हैं कि आपका जो एक पेन था, आपका जो एक जख्म था, इवन एक पैटर्न भी कह सकते हो, एक लाइफ का ऐसा एरिया कह सकते हो जो हर तरीके से डैमेज था, वहाँ से आप हील कर पा रहे हो, मतलब वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस मिला है कि ऐसा कोई एरिया हो सकता है ना, खुद को जहाँ पर आप ब्लेम करते थे, बहुत सारा नेगेटिव पैटर्न आप फॉलो कर चुके होंगे, और वर्स्ट केस सिनेरियो सोच कर आप एक सैड सी एनर्जीज में हमेशा चैनल हुआ करते थे। लेकिन जब आपको एक क्लैरिटी मिल गई है अपने पर्सन की तरफ से, वो एक इशारा जब मिल गया है कि यस, आप भी डिज़ायर किए जा रहे हो, आप भी इस पर्सन से लव किए जा रहे हो, ये आप
ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आप में वो एक शाइनिंग पर्सनालिटी देखते हैं, तो आपके अंदर वो एक ज़ील, वो एंथुजियास्टिक अप्रोच दोबारा से बिल्टअप हुआ होगा गाइस, और आप लाइफ के बहुत सारे ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे हो, मतलब आपकी लाइफ में जो जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो जो भी गॉड गिफ्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों को आप शायद बहुत ज़्यादा खुद में ही एक एडोरेबल एनर्जीज में बने हुए हो। यू गाइज आर एडोरिंग योर सेल्फ एंड यू गाइज आर इवन थैंकफुल टूवर्ड्स द गॉड एंड द यूनिवर्स के आपको ये सारी चीज़ें मिली हैं जिसको आप चेरिश कर सकते हो, जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं और आप अपने पर्सन के साथ वो एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में खुद भी बने हुए हो सकता है, अगर ये ऐसी वाइब्रेशंस आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं जहाँ पर आप इनके बारे में कंटिन्यूसली थॉट बाय थॉट सोचने लग पड़े हो, ऑल ऑफ अ सडन आप इनके सपने सजाने लगे हो, तो रिमेंबर वन थिंग, यू गाइज आर मिररिंग। आपके पर्सन भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, तभी आपके अंदर भी वो फीलिंग्स शायद आउट ऑफ द ब्लू चैनल हो रही होंगी। आप ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में बने हुए होंगे और खुद के साथ भी आप वो एक कंपैशन में बने हुए होंगे, आप खुद से भी प्यार करते हो, मतलब अपना बहुत ज़्यादा टेक केयर करना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना और कैसे आप खुद को एक बेटर पर्सनैलिटी बना सकते हो बाय लुक्स, बाय इवन पर्सनैलिटी, एवरीथिंग, आप अपने आप पर शायद बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे। तो ये एनर्जीज हैं गाइस, फाइनली इट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स द स्टार, नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट, द लवर्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। तो ऑफकोर्स गाइस, जो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब कोई इंसान एक स्पिरिचुअलिटी को सहारा बना लेता है, अगर इस पर्सन की लाइफ में डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या फिर इनकी लाइफ में इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो इनके हाथ से कॉन्कर नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में इंसान क्या करता है? भगवान से मदद सीख करता है, तो आपके पर्सन भी एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी का वो मकाम ये शायद अचीव करने वाले हैं, खुद में भी इतने ज़्यादा ये ग्रो करने वाले हैं या आप इन्हें हेल्प करोगे टू ग्रो ऑन दैट लेवल, ताकि ये अपनी लाइफ के डिज़ायर्स पर वर्क कर सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करने पर बिलीव करते हैं, मतलब अगर नहीं हो रहा है छोड़ो यार, कौन ट्राई करेगा, तो वो एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस हैं। मतलब इफ़ यू आर नॉट गिविंग अ ट्राई फॉर योर डिज़ायर, तब भी आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस में बने हुए हो कि आप नेगेटिव सोचकर उस चीज़ की पॉसिबिलिटी को किल कर रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए गाइस। आपको भरोसा होना चाहिए, अगर भले ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग भी रही हैं, मान लो वो चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल है, गॉड के लिए नहीं, गॉड के लिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी मुमकिन है। तो आप अपने आप पर नहीं या फिर चीज़ों पर भरोसा मत करो, लेकिन गॉड पर आप ज़रूर विश्वास रख सकते हो कि आपके लिए जो भी चीज़ें मुश्किल लग रही हैं वो गॉड के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। गॉड कोई भी करिश्मा दिखा सकते हैं, कुछ भी मिराकल क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यही करना चाहिए, आपके पर्सन भी एग्जैक्टली यही करने वाले हैं गाइस। अगर ये आपकी तरफ प्रपोजल रखने में खुद को रोक रहे थे या फिर खुद को अभी भी रोक रहे हैं, एक डिसीजन मेकिंग में पूरी तरीके से चैनल नहीं हो पा रहे हैं, इवन अपने प्यार को ये सेक्रीफाइस करने निकल पड़े हैं गाइस, तो ये इस तरह से रोके जाएंगे जहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर इस तरह से जन्म लेगी कि ये बहुत सारी चीज़ों को खुद में ही देख पाएंगे, एक इनर गाइड इन्हें गाइड करेगा उस पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जहाँ पर इन्हें एक्चुअल में बढ़ना चाहिए, जहाँ पर इनका पर्पस भी लाइक करता है, इनकी डिज़ायर्स भी लाइक करती हैं और इनकी सक्सेस भी वहीं पर लाइक करती है। कोई एक ऐसा इंसान होता है हमारी लाइफ में ज़रूर जिसके साथ हमारी ज़िंदगी एक अबंडेंस का मोड़ लेती है। अबंडेंस सिर्फ पैसों को लेकर नहीं होता गाइस, अबंडेंस कैन बी फॉर एनीथिंग, जैसे कि लव है, एक सुकून है,
वहां से जिंदगी बेटर से बेटर बनती चली जाती है। एक गलती कि अगर हम अपने लाइफ पार्टनर को गलत सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहां से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो हम यहाँ पर जिंदगी को आबाद होने की बात कर रहे हैं, तो आपके पर्सन की और आपकी लाइफ एक अबंडेंस की तरफ बढ़ रही है, जहाँ पर आप लोगों की लाइफ दोबारा से बसने लगेगी। अगर ये ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, एक ऐसे पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके बाद इन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं होगा, तो यस दैट इज़ यू। तो आपके साथ इनका वो कनेक्शन है फ्रॉम द डिवाइन, ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होगा गाइस। आपसे बेटर पर्सन इन्हें शायद नज़र नहीं आता होगा, इसीलिए आप दोनों ही इस कनेक्शन पर गिव अप नहीं करते हो। मतलब इनका भी ऐसा ही अप्रोच होगा कि ये लाख कोशिश कर लें आपसे ये वॉक अवे नहीं हो पाते होंगे, आप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्राई करते होंगे लेकिन आप भी यहाँ से वॉक अवे नहीं हो सकते। तो जब डिवाइन आपको एक वो रास्ता दिखा चुका है कि यही वो पर्सन है, बट आप और आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ ऑब्स्टिकल्स को देखकर अगर पीछे हट रहे थे, तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी आपका साथ देने वाली है गाइस। जब कोई इंसान इस हद तक मैच्योर हो जाता है स्पिरिचुअल लेवल्स पर, तो उसे पता होता है कि उसे कहाँ जाना है। वो सब्र भी कर लेगा, पेशेंस भी रख लेगा, ऑब्स्टिकल से लड़ लेगा, यू नो यूनिवर्स से भी लड़ लेगा, किसी ना किसी तरीके से वो पॉसिबिलिटीज क्रिएट करके उस पर्टिकुलर सी चीज़ तक पहुंच ही जाएगा जो उसे चाहिए। मतलब ये एक जिद है और ये वही इंसान कर सकता है जिसको यू नो गॉड पर और यूनिवर्स पर पक्का विश्वास होता है। ये हर एक इंसान नहीं कर सकता गाइस। एक टाइम ऐसा आता है कि आप गिव अप कर देते हो। जब आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप अड़े हुए हो, आप जिद कर रहे हो, तो वहाँ से एक यू नो जादू शुरू हो जाता है। आप देखने लगते हो कि आपके लिए चीज़ें खुद ब खुद पॉसिबल होने लगती हैं गाइस। तो क्या आप ऐसी इंट्यूशन अपने अंदर महसूस करते हो इस पर्सन को लेकर? इफ़ योर आंसर इज़ येस, देन दिस इज़ द पर्सन जो आपके लिए बनाए गए हैं, और इनके लिए आपको वो एफर्ट, वो मैनिफेस्टेशन ज़रूर रखनी चाहिए। ये चीज़ आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा पाकर ही कर सकते हो। तो अपने आप को इस हद तक स्ट्रॉन्ग बनाइए स्पिरिचुअल लेवल्स पर, और भगवान पर भी इस तरह से विश्वास रखिए कि आपकी सारी डिज़ायर्स जो हैं वो कॉल की जाएंगी, वो आंसर की जाएंगी, और आपको वहीं पर बढ़ा दिया जाएगा जहाँ पर आप डिज़र्व करते हो। आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल हो सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ें मतलब आप दोनों ही के साथ ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं गाइस, आपके और आपके पर्सन के साथ। आप दोनों ही यहाँ पर गिव अप नहीं कर रहे हो, आप दोनों ही की यहाँ पर ज़िद है। आपके पर्सन की लाइफ में किसी बात की कमी नहीं होगी, इनकी लाइफ में ऑप्शंस भी होंगे, लेकिन फिर भी ये स्टॉप हैं, ये कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर यही है कि ये खुद को उसी वेज की तरफ चैनल कर रहे हैं जहाँ पर ये वो मास्टरी प्राप्त कर सके स्पिरिचुअलिटी पर। उसके बाद किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। यही जो मैं आपको आज बता रही थी एनर्जी थीम फॉर टुडे में। ऑलराइट, तो आई होप ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा गाइस। इफ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, और इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग ज़रूर हम लेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।